हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरा आजमाया हुआ है। मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ वो मेरा आजमाया हुआ होता है। पहले मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, फिर मुझे फ़ायदा होता है तो मैं आप लोगों तक उसको शेयर करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही नायाब नुस्खा, बहुत ही अचूक नुस्खा आपको देने जा रही हूँ। इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, ये है अलसी, जिसको तीसी भी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड। तो ये फ्लैक्स सीड बहुत ही, इसमें ओमेगा थ्री है, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये है मिश्री, मिश्री जो हम लोग खाते हैं वो मिश्री है। तो और ये है पानी। तो इसमें बस ये तीन चीज़ ही पड़ेगा। मैं इसमें डालूँगी पैन में 2 चम्मच अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड बीज, और मैं डालूँगी 1 चम्मच इसमें मिश्री। अब मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालकर इसे मैं अच्छी तरह से इसको बॉयल करूँगी गैस पे, ताकि अलसी में जो एक जेल होता है वो जेल निकल जाए। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह से बॉयल करूँगी। और इसे हमेशा, जब भी आप अलसी के जेल को निकालिए, या तो वो बालों के लिए या स्किन के लिए, तो हमेशा उसको गरम गरम ही उसको छान लीजिए। नहीं तो ठंडा होने के बाद अलसी का जो जेल है वो बाहर नहीं आता है। ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है सूखी खांसी के लिए। जब सूखी खांसी होती है, बलगम बाहर नहीं आता है, कफ बाहर नहीं निकलता है और कफ सीने पे जमा होता है, तो आप इसे बनाकर इस्तेमाल कीजिए। एक ही खुराक में, एक ही बार लेने से आपको फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी सूखी खांसी को, बलगम को, कफ को ये ढीला कर देता है, और ढीला करके ये कफ को बाहर निकाल देता है, कफ बाहर आने लगता है। तो ये सूखी खांसी के लिए, कफ़ को ढीला करने के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत नायाब नुस्खा है। ये हमारी पूरी फैमिली इसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अभी भी हम जो बनाने जा रहे हैं, तो मैं अपने लिए ही बनाने जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कफ जम गया है, तो मैं इसे बनाकर पीऊँगी। ये जो गले में खराश और सीने में जो जकड़न होती है, ये उसे भी ख़त्म करता है। तो इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जो बड़े हैं तो वो इसे 1/2 कप ले सकते हैं 2 बार दिन भर में, सुबह और शाम। और जो बच्चे हैं उनको इसका 1/4 कप दीजिए सुबह और शाम। ये सबके लिए बहुत मुफीद है। तो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।